देखो यार, जेन्युइनली मुझे नो स्पॉइलर टॉक्स बनाने में बिल्कुल मज़े नहीं आते, क्योंकि बिना स्पॉइलर्स के बात करना मुझे पसंद नहीं है। प्लस नो स्पॉइलर टॉक्स सिर्फ तभी तक चलते हैं जब तक मूवी सबने देख ना ली हो, या फिर कोई मूवी देखने जा रहा हो तो ही लोग देखते हैं। पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मैं नो स्पॉइलर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना थिएटर एक्सपीरियंस तुम सबके साथ शेयर करूं, ताकि तुम लोग भी अभी जब ये मूवी लगी हुई है तब थिएटर में जाकर इस मूवी को देखो, क्योंकि ये मूवी एक एक्सपीरियंस है। और प्लस मैं तुम लोगों को ये भी पता चलेगा कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो में हुआ क्या था, पब्लिक का क्या रिएक्शन था, लोग उस मूवी को देखने से पहले सोच क्या रहे थे, और साथ ही साथ में मूवी खत्म होने के बाद में लोगों का एक्सपीरियंस क्या था। अब देखो, क्योंकि ये वीडियो स्पॉइलर फ्री रिव्यू है तो इसमें मैं पिक्चर से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूंगा, मैं अपने थिएटर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा। हालांकि ये बात मैं जरूर बताऊंगा कि मूवी मुझे कैसे लगी और तुम्हें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मूवी कैसी थी। अब मैं सही बताऊं तो मूवी चालू होते से ही भगना चालू कर देती है। मतलब मूवी जहां से स्टार्ट होती है रुकती है 2 घंटे बाद सीधा। मूवी में एक से बढ़कर एक सरप्राइज एलिमेंट्स हैं। मूवी में हॉरर भी है हल्का सा, जिसे देख के थोड़ा डर तो लगता है, पर सब कुछ थोड़ा सा पीजी रेटिंग के हिसाब से दबा दिया गया है। हालांकि मैं इस बात से एग्री करता हूं कि मूवी बहुत रश लग रही थी, बट सैम रायमी को जो दिखाना था और जितने कंप्रेस टाइम में उनको ये मूवी कंप्लीट करनी थी 2 घंटे के हिसाब से, वो बहुत सटीक काम करता है। बल्कि मैं सैम रायमी की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने किस किस जगह कैमरा एंगल्स दिखाए भाई, ऐसी ऐसी जगह पे कैमरा लगाया है कि तुम देखते ही रह जाओगे। देखो, अच्छी अच्छी बातें तो हो गई, अब थोड़ी बुरी बातें भी कर लेते। पहली बात तो यही हो गई कि मूवी बहुत ज्यादा रश लगती है, पर दूसरी बात जो मुझे बहुत बुरी लगी वो ये थी कि ये पूरी की पूरी मूवी अपने आप को 2 घंटे में कंप्लीट करने के चक्कर में अपने कैरेक्टर्स को ना तो ढंग से इंट्रोड्यूस कर पाती है, ना उनसे इमोशनल अटैचमेंट फील करवा सकती है। बोनस में मल्टीवर्स की पहली पिक्चर होने के बाद में भी ये पिक्चर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पर फेंक देती है ना, मतलब बस दिखा देती है और एक्सप्लेन भी नहीं होती ढंग से। और देखो, मैं ये मूवी हिंदी डब में देखने गया था, हाँ मैं देखने गया था, और इतनी बड़ी नहीं थी हिंदी डबिंग। पर मेरा जेन्युइनली एक सवाल है कि भाई, हिंदी डबिंग में तुम क्यों एक ना एक ऐसा वर्ड घुसेड़ देते हो जिसे सुन के दिमाग खराब हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये पिक्चर तुम्हें देखने जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि ऑडियंस 2-3 तरीके की होती है। पहली, हमारे जैसी नर्ड्स जिन्हें कॉमिक बुक्स का और सब चीज़ों का ज्ञान रहता है मार्वल की। दूसरी, जो सिर्फ मूवीज देखते हैं। और तीसरी, जिन्हें पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। तो पहली कैटेगरी वालों के लिए तो ये पिक्चर एक सोना है। दूसरी कैटेगरी वालों के लिए ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजिंग रहेगी पर हो जाएगा एडजस्ट। बट जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं उन्हें मैं ये इतनी हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि अगर तुम फ्री हो, कोई मूवी देखने जाना है और अच्छी सी विजुअल वाली मूवी देखनी है तो ये मूवी तुम देख सकते हो, अदरवाइज तो नहीं। और यही वजह थी कि मैं अपना थिएटर एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। अब देखो, मेरा शो था सुबह 9:30, मैं 9 बजे जाके बैठा, मैंने देखा भाई धीरे धीरे करके भीड़ भड़का इकट्ठा हुआ। अब मैं शो से आधे घंटे पहले गया ही इसलिए था क्योंकि मुझे पब्लिक का रिएक्शन देखना था। देखो, कुछ छोटे बच्चे तो अपने पेरेंट्स को पकड़ के ले आए थे, दादी तक को पकड़ के ले आए थे ये मूवी देखने के लिए। कुछ एक्साइटेड टीनेजर्स थे और ऐसे भी एडल्ट्स लोग थे जो मतलब पूरा शो वो देख के आए थे और उस बारे में डिस्कस भी कर रहे थे वहाँ पे खड़े हुए। अब पूरी मूवी के दौरान मैं ऐसी सीट पर बैठा हुआ था जहाँ मैं चारों तरफ से घिरा हुआ था। तो मेरे आगे साइड में एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी, पीछे साइड में एक अंकल बैठे हुए थे, मेरी साइड में मेरे एज से थोड़े कम मतलब 17-16 के आसपास वाले लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे, और मेरे लेफ्ट साइड में 2 बड़े लोग बैठे थे जो कि शो में पहली बात तो लेट आए थे और परेशान कर दिया था उन्होंने। तो पूरी मूवी के दौरान पहली बात तो मैं ऐसे हॉल में बैठा था जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड था, बहुत छोटा सा हॉल था। अब देखो, मूवी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पकड़ ली पर कोई भी नहीं पकड़ पाया। उसकी वजह से सब कॉमिक बुक्स के रेफरेंस फेंके गए ना, तब मैं वो करके चिल्लाया और कोई भी नहीं चिल्लाया और सब मेरी तरफ देख रहे थे कि इसको क्या हो गया। पर मेरे लेफ्ट साइड में जो जनाब बैठे हुए थे उन्हें कोई भी मतलब नहीं था। पहली बात तो ये व्यक्ति शो में लेट आया, दूसरी बात इस आदमी ने देखा सब इस आदमी ने, बट इसके दोस्त के साथ बैठकर ये खुसर पुसर कर रहा है और मुझे मूवी की ड्यूरिंग वो पसंद नहीं है। पर एक चीज़ जो बहुत बढ़िया हुई थिएटर में, भाई इंटरवल नहीं लगाया उन लोगों ने, पिक्चर बीच में नहीं काटी। पर देखो, जब मूवी खत्म हुई उसके बाद में पीछे वाले जो अंकल थे उन्होंने एक चीज़ कही जो मैंने सुना और मेरी हंसी निकल गई। तो मूवी खत्म होने के बाद में उन्होंने कहा कि क्या बकवास पिक्चर थी, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आई और आई कैन अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं थर्ड कैटेगरी के लोगों को इतनी हाईली ये मूवी रिकमेंड नहीं करता हूँ और मैं उनकी बात से डिस्कस भी नहीं कर सकता, क्योंकि देखो उनको नहीं पता कि मूवी में चल क्या रहा है। इनफैक्ट जब इल्यूमिनाटी जाते कोई स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि मार्वल वाले खुद ही चिल्ला चिल्ला के मूवी रिलीज करने से पहले बोल रहे थे मेरे इल्यूमिनाटी आएंगे, तो ये कोई स्पॉइलर नहीं है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, वो भी तुम देख सकते हो अगर तुम्हें मूवी देखने से पहले या देखने के बाद पता करना है कि इल्यूमिनाटी एक्चुअली है कौन। और देखो, जब वो लोग आते हैं और जो कुछ भी होता है मुझे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा, क्योंकि मुझे दिली इच्छा थी कि ये सब हो और इसे इल्यूमिनाटी को शो किया जाए। अब मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि इससे आगे स्पॉइलर हो जाएगा। बल्कि एमसीयू में होने के बाद भी सैम रायमी की वजह से ये मूवी एक सोलो मूवी भी अच्छी लगती है, क्योंकि ये एक पॉइंट पर स्टार्ट होती है और इसी पॉइंट पर खत्म हो जाती है, तो एक क्लोजर मिल जाता है तुम्हें इस मूवी का, तो तुम ये देख सकते हो। बट ये मेरा ओपिनियन है, मैं जानना चाहूंगा तुम्हारा क्या ओपिनियन है। लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे और वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए दिस इज़ फायस्वानी साइनिंग ऑफ़।